अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले रखा है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून तेल रखा है। तेल गर्म हो रहा है, उसके बाद हम इसमें सब्ज़ी रखेंगे। ये देखिए, हमने इसमें मटर रखी है। सबसे पहले मटर को हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें गाजर और प्याज ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद का कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, हरी प्याज हो गई, शिमला मिर्च है, स्वीट कॉर्न है, आपको जो पसंद हो वो ऐड करिए। मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही, बस यही कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखिए, मटर हो चुकी है, अब हम इसमें ये गाजर ऐड करेंगे। गाजर ऐड करने के बाद भी हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही 2 मिनट और पकाएंगे, ताकि गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए हो गया है, अब इसमें हम ये प्याज ऐड कर दे रहे हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और कुछ भी नहीं करना है हमको ऐड इसमें, और बस इसको थोड़ा सा नरम होने तक पका लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अब कवर कर दिया है, और कवर करके हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम हमने स्लो कर दिया है, स्लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। जब तक ये पकता है तब तक हम आगे का प्रोसेस की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक यहाँ पे ब्रेड ले रखी है, ये हमने ब्राउन ब्रेड ले रखी है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसको हमें इस तरीके से अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। इसी तरीके से ये स्लाइस अलग निकाल लेनी है और इसको इस तरीके से ही कट करना है। ये चारों साइड से ऐसे करके आप इसको इस तरीके कर लें। इसी तरीके सारी स्लाइस को आप कट कर लें। ये देखिए, हमने इस तरीके से 4 स्लाइस कट करके रख ली है। अब आगे चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये सब्ज़ी भी बनकर रेडी है बिल्कुल। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, रूम टेम्परेचर पे आ जाने देते हैं, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये ठंडा हो चुका था तो हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम अंडा डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें 5 अंडे ऐड करे हैं। आपको जितनी स्लाइसेस बनानी हो उस हिसाब से आप ऐड करिएगा। हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्लाइसेस बनानी है तो इसलिए हमने 5 अंडे ऐड किए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर दिया है, अब हम बनाते हैं इसको। ये देखिए, इसको बनाने के लिए हम फिर से वही पैन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से क्लीन कर लें। ये देखिए, क्लीन हो चुका है। ये देखिए, हमने पैन में थोड़ा सा हल्का सा मक्खन लगाया हुआ है और गैस का फ्लेम स्लो है। और अब हम इसमें ये इस तरीके से इसको ऐड करेंगे और साथ ही इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम इस तरीके से चीज़ स्लाइस ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे। और उसके बाद हमने ये स्लाइस ऐड करनी है इस पर, और इसको
सिक जाने के बाद हल्के हाथों से पलट लेंगे। हल्का सा मक्खन आप स्लाइस के ऊपर से इस तरफ से भी लगा दें, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, हमने हल्के हाथों से इसको पलट लिया है और इस तरीके से हल्के हाथों से इसको प्रेस कर करके आप दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लें। ये देखिए, दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से सिक चुका है। अब इसी तरीके से हम पलट पलट करके दोनों साइड से सेक लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो मक्खन आप और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता है तो मत करिएगा। और इसी तरीके हम बाकी की स्लाइस भी सेक लेते हैं। ये देखिए, हमारा हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है आपको। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, इस रेसिपी को अपने घर में, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।